वेलकम टू अवर YouTube चैनल एंड कार्तिक शर्मा हियर। आज हम A4 एक्वेरियम में हैं और आज हम आपके प्लांटेशन टैंक के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ लाए हैं, वो है सरफेस स्कीमर, जिसका अनबॉक्सिंग करके आपको भाइन भी बताने वाले हैं। ये जो सरफेस स्कीमर आप देख रहे हो अभी, जो मेरे पास जो पंप है, ये आपके 2.5 फीट तक के टैंक के हिसाब से सही रहता है। 1 फीट से लेकर 2.5 फीट तक उसके ऊपर का है, तो उसके ऊपर का वेरिएंट आता है, वो आपको यूज़ करना पड़ता है। और सबसे मेन जो कंपनी ने पहला ये सनसिन का प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो हमारे पास है, पर इसके अंदर पूरा जो सिस्टम भी है, क्या क्या इंक्लूडिंग है, 10 चीज़ इसके अंदर है, पंप के अंदर यूज़ है, उसका कहाँ से फंक्शनलिटी है, नंबर वाइज आपको ये देख सकते हो 1 to 10 नंबर पूरा दिया हुआ है उसके अंदर, कि कौन सा फंक्शन है इसके अंदर और कहाँ पे ये यूज़ होता है, वो तो पूरा नंबर वाइज आप देख सकते हो। उसके बॉक्स पे ही है, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है कहाँ क्यों कैसे यूज़ होता है पूरा चीज़। ओके, ये हम इसको सबसे ज़्यादा पाइप रहता है, उसका पैकिंग भी आप देखते हो सबसे डिफरेंट है ये पैकिंग। हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा पैकिंग नहीं होता है, पर सनसिन स्टैंडर्ड प्राइस वाइज भी रहता है और क्वालिटी में, तो है ही उसका नंबर वन। और जो इसका लुक है वो भी बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, जो आपके एक्वेरियम टैंक में बहुत ही प्लांटेड एक्वेरियम टैंक में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मेन की केबल साइज भी थोड़ा बड़ा है नॉर्मल पंप के हिसाब से, क्योंकि इसका यूज़ होता है बॉटम ऑफ टैंक, राइट, ये पंप, तो आपके टैंक के हिसाब से केबल भी थोड़ा अच्छा है। और सेकंड थिंग, पहली कंपनी ऐसी है जो केबल के साथ वैक्यूम दे रही है फिक्स वाला, आपका केबल इजीली ग्लास के साथ चिपक जाएगा, वो ज़्यादा हिडन ही रहेगा पंप के साथ। फोर आप जो जगह देख रहे हो वहाँ पे उसका वैक्यूम आएगा, ये छोटा सा वैक्यूम रहता है, वो वैक्यूम हमें यहाँ पे लगा स्टिक करना होता है, खुशी करना रहता है, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, ये जो रहती है नोज़ल रहती है, वो यहाँ पे एक सेट होती है पूरा इस तरह का, और ये जो पाइप है ये यहाँ पे लगेगा, ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ये सब चीज़ें हमें दिखाती है कि कंपनी ने उसकी प्रोडक्ट पर कितना वर्क किया है और कितनी क्वालिटी देने की उन्होंने कोशिश की, ट्राई की है। एक कंट्रोलर वाल भी है उसके अंदर, ये फ्लोटर रहेगा, राइट, ये फ्लोटर रहेगा सरफेस के ऊपर रहेगा, ये आप इमेज में देख सकते हो इस तरह का है, फ्लोटर है ऊपर की साइड का, राइट। एक डिफरेंट क्लिप भी है, एक पंप, ये पूरा सरफेस क्लीनर का जो ऊपर वाला जो 4 सेंटीमीटर वाला है हाइस्ट है, इसके अंदर आप एडजस्टेबल है, ये आप इस तरह रखो ऊपर रख सकते हो, जैसे आपका टैंक का हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है इसको, आपको टैंक के हाइट के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा जो डस्ट वेस्टिंग कुछ भी है इसके अंदर, और एक गैस को पास आउट करता है, तो वो भी एक बेनिफिट है उसके अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंट्रोलर दिया हुआ है, फ्लो का कंट्रोलर है वाला, ये कौन सी चीज़ का कंट्रोलर है, ये जो फ्लो रहता है ना, ओके, हाँ उसका भी कंट्रोलर है, बबल फ्लो कंट्रोलर, तो उसके भी अलग से हाई और लो का फिक्स ऑप्शन है, ये भी कोई कंपनी नहीं दे रही है सिवाय के इसके, सनसिन के अलावा कोई नहीं दे रहा। काफ़ी में क्या रहता है कि कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं, पर ये सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये सिर्फ जो अंदर जो हवा पास कर रहे हैं वो हवा को स्टॉप कर रहे हैं, हम लोग मोटर को कुछ स्टॉप नहीं कर रहे, उसका फ्लो को हम कुछ कर नहीं रहे, और हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आप पंप में देख सकते हो, डाइवर्ट है, फ्लो डाइवर्ट डाइवर्जन वो कर सकते हैं, पर उसका स्टॉप करने या उसका कंट्रोल करना हमारे हाथ की चीज़ नहीं रहती है। और ज़्यादा आप प्रेशराइज से कुछ छोटा पाइप आगर लगा के कुछ भी करते हो तो डायरेक्टली लोड पड़ता है मोटर पे लड़ता है, क्योंकि जो जितना कैपेसिटी है उतना पानी को तो फेंकेगा ही, अगर उसको कम करना है तो ये कंपनी ने इजीली दिया हुआ स्टैंडर्डाइज एक फ्लोटिंग कंट्रोलर दिया, फ्लो कंट्रोलर दिया हुआ इजीली आप, और उसका जो अंदर जो कॉटन रहता है वो जब अपन उसको यूज़ करना है वॉश करना है वो भी एक स्टैंडर्ड है, और वॉशेबल कॉटन रहता है और इजीली मिलता भी है, अगर आपको ख़राब हो जाता है तो इजीली मिलता भी है। अगर आपका टैंक का साइज छोटा है और आप ज़्यादा कॉटन यूज़ करना चाहते हो
तो दूसरा भी इसके अंदर लगा के आप उसको पैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है इसका हाइट ज़्यादा रह सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी इधर से इंसर्ट होगा। ओवरफ्लो जो सिस्टम रहता है एक टैंक का सरफेस लेवल के अंदर से पानी इधर जाएगा, तो ये आप ऊपर रखो टैंक के हिसाब से तो एडजस्टेबल। अगर आप यहाँ पे बायोमीडिया भी डालते हो छोटी सूरामा क्रीम कार्बन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। तो ये आपको एक इजीली ऑप्शनेबल फॉर्म है आपके लिए। और इसमें इनके पास बहुत सारे वेरियंट्स भी अवेलेबल है, आप पीछे देख सकते हो। इसके अलावा बड़े टैंक के लिए भी वेरिएबल ऑप्शन है। वेरिएंट हम लोग लाते रहते हैं काफ़ी, क्योंकि कस्टमर को हर चीज़ को हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नया लेके आएंगे तभी कस्टमर के पास, हमारे पास तो कुछ नहीं आएगा कस्टमर के पास भी जाएगा। और उसका जो है मेन पर्पज़ रहता है, हमारा एक ही पर्पज़ रहता है कि फिश को कैसे हम सेव करें बचाएं। और काफ़ी प्रॉब्लम से हम उसको डिफरेंट, काफ़ी लोगों को क्या रहता है कि फिश ला के हम लोगों ने रख दिया, दो टाइम फीडिंग करवाते हैं, टाइम टू टाइम पानी साफ करते, उसके अलावा भी कहाँ से हमारी गलती हो जाती है तो फिश डाई होती है। तो उसके लिए काफ़ी सारा रीजंस रहता है, उस पर हम लोग अभी स्टडी स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम से। हमारा ये सर्च हो रहा है कि किस फिश को कैसे वेदर के अंदर किस तरह के ट्रीटमेंट्स पहले से देने से वो फिश वहाँ से स्टॉप हो जाती है। वन टाइप हम बोलते हैं ना कि अपना कोविड का वैक्सीन ले लो, इस तरह का हम एक एंटीबायोटिक का ही स्टैंडर्ड। या अगर एक बेसिकली आपको इजी मेथड में समझाऊँ, इजी लैंग्वेज में बताऊँ, तो अगर आप कोई भी चिकलेट बाय करते हो यानी फ्लावर है आपके पास, पैरोट है, ओस्कार है, तो उसका जो फूड रहता है उसके अंदर नॉनवेज कंटेंट फूड ज़्यादा रहता है, हैवीली प्रोटीन फूड रहता है। और आपका टैंक का साइज 2 फीट 2.5 फीट या 3 फीट होता है, समझ लो, मान लेता हूँ, क्योंकि बड़ी बने वाली फिश है तो उसके लिए वो टैंक मिनिमम तो रखना ही है अपने को। उस टाइम पे हेविली फूड खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपने क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी हो और स्पेस भी कम है तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना है ही। वो तो होगा ही है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, 2 टाइप के फूड्स देने रहते हैं, एक लाइट वेट फूड रहता है, एक प्रोटीन वाला फूड, तो उसका जो डाइट है, बॉडी है, वो शेप है, प्रॉपर बैलेंस रहेगा। उसके अलावा महीने में 1 या 2 दफ़ा आपको डीवॉर्मिंग करवाना है। अगर आप हेवी फूड डालते हो तो उसके लिए वॉर्म आउट का मेडिसिन आता है, डीवॉर्मिंग का लिक्विड भी आता है, उसको स्प्रे करके फूड को ही खिलाना। ये जो मेन चीज़ रहती है वो फिश के हिसाब से रहता है, तो उस तरह का हम उसके लिए फ़िल्टर कौन सा सूटेबल है, उसके लिए फूड कौन सा सूटेबल है, उसके लिए ग्रेवल्स कौन से सूटेबल है, लाइट कितने घंटे इसमें यूज़ करना है, पूरी गाइडलाइन के साथ हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरा नॉलेज A to Z फिश हिसाब से उसका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो अलग अलग तरह के से बीमारियाँ आती है, उसको कैसे हम अपने फिश को आने से पहले वहाँ पे से हम थोड़ा केयर कर सकते हैं। तो वो भी वेदर के हिसाब से भी आती है, ज़्यादातर गोल्ड फिश में रहता है, तो वो भी वेदर के हिसाब से हम कहाँ क्या पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं तो वहाँ से हम हमारे फिश को सेव कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर हमारा मेन पर्पज़ वही है, तो कोई भी चीज़ बाय करते हो उसका बेनिफिट और प्रॉफिट दो ही चीज़ हम लोग पहले से कैलकुलेट दिमाग में करके जाते हैं कि कितने में पड़ रहा है, क्या कर रहा है, ओनली फिल्टर ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सारे जो कंपनी बनाती है वैसे कोई काफ़ी सारे मॉडल नहीं बना के छोड़ दे दिया है, कोई कंपटीशन में आके सिर्फ 2 बायोबॉल डाल दिया, तो ऐसा नहीं होता। सबका अलग का मेथड रहता है, सबका अलग डिफरेंट वर्क रहता है, और टैंक के हिसाब से फिश के हिसाब से वो चीज़ होता है। फैसिलिटी है नो डाउट, सारी फिश के हिसाब से ही रहती है, पर उसके पहले आपको उसका थोड़ा सा नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है आपके फिश के लिए। सिर्फ रख के छोड़ देने से कोई फिश बड़ा नहीं होता है। और आप उसके लिए जो कोई भी क्वेरी है तो हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, पर 9 to 9 के बीच के टाइम पे ही आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, उसके लिए हम आपको उसका आंसर भी करेंगे। कहीं पे वैसी हो आप, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा एक ही पर्पज़ है कि प्रॉपर नॉलेज, सही वाला नॉलेज, सिर्फ पैसे से देने वाला नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमें फिश को कैसे बचाना है और हमारा जो हॉबीज़ है उसको कैसे बरकरार रखना, उसके लिए हम पूरा गाइड करेंगे आपको। थैंक यू भाई।